नमस्ते, कथा याना की तरफ से आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्म दिवस है। नेहरू जी बच्चों को बहुत पसंद करते थे, बच्चे भी नेहरू जी को बहुत पसंद करते थे, उनको प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। नेहरू जी ये बोलते थे कि हमारे आज के बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। ये बात तो सामान्य तौर पर हम सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बात है, एक विषय है जो कुछ लोग जानते होंगे। वो बात ये है कि नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी जी, जब वो छोटी थी तो उनका नाम केवल इंदिरा था। जब इंदिरा जी छोटी थी तो वो नेहरू जी से बहुत सारे प्रश्न पूछती थी, सवाल पूछती थी, और नेहरू जी को पता नहीं होता था कि इन प्रश्नों का वो कैसे जवाब दें, उत्तर दें। एक बार ऐसा हुआ कि इंदिरा जी जब लगभग 10 साल की थी, उनके समर वेकेशंस में वो मसूरी जाकर वो रहने लगी, लेकिन नेहरू जी अपने घर अलाहाबाद में वो रुक गए। उस वक्त नेहरू जी ने इंदिरा जी ने जो कुछ भी सवाल पूछे थे, प्रश्न पूछे थे, उनके सारे जवाब पत्र के द्वारा उनको लिखने शुरू कर दिए। हाँ, और इन पत्रों का विषय ये था कि हमारी भूमि कैसे सृष्टि हुई, और भूमि में पहला जीव कौन सा था, वो कैसे दिखता था, मनुष्य कैसे पैदा हुआ, और वो उसने समूह कैसे बनाए, वो भाषा कैसे बोलने लगा, देश कैसे रचाए गए, धर्मों जातियां कैसे बनी, विविध संस्कृतियां हम कैसे मनाने लगे, ऐसे बहुत सारे विषय के ऊपर उन्होंने पत्र लिखे। कुल मिला के 30 पत्र लिखे उन्होंने, और ये सारे पत्र उन्होंने लिखा इंग्लिश में, और ये सारे पत्रों को एक समग्र लेकर एक पुस्तक बनाया जिसका नाम है लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। और इस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किया मुंशी प्रेमचंद जी ने, और इस पुस्तक का हिंदी में नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। और मैं अब उस पुस्तक से एक पत्र पढ़ने जा रही हूं जिसका शीर्षक है जबानों का आपस में रिश्ता। प्रिय इंदिरा, पिछले पत्र में हम बतला चुके हैं कि आर्य बहुत से देशों में फैल गए, और जो कुछ भी उनकी जबान थी, भाषा थी, उसे अपने साथ लेते गए। लेकिन तरह तरह की आबोहवा और तरह तरह की हालतों ने आर्यों की बड़ी बड़ी जातियों में बहुत फर्क पैदा कर दिया। हर एक जाति अपने ही ढंग पर बदलती गई, और उसकी आदतें और रस्में भी बदलती गईं। वे दूसरे मुल्कों में दूसरी जातियों से ना मिल सकते थे, क्योंकि उस जमाने में सफर करना बहुत मुश्किल था, एक गिरोह दूसरे से अलग होता था। अगर एक देश के आदमियों को कोई नई बात मालूम हो जाती तो वे उसे दूसरे देश वालों को ना बतला सकते। इस तरह तब्दीलियां होती गई, और कई पुश्तों के बाद एक आर्य जाति के बहुत से टुकड़े हो गए। शायद वे यह भी भूल गए कि हम एक ही बड़े खानदान से हैं। उनकी एक भाषा से बहुत सी भाषाएं पैदा हो गईं, जो आपस में बहुत कम मिलती जुलती थी, लेकिन उनमें इतना फर्क मालूम होता था। उनमें बहुत से शब्द एक ही थे, और कई जमाने में ये भाषाएं एक ही रही होंगी। तुम्हें मालूम है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजी में बहुत से एक जैसे शब्द हैं। दो बहुत घरेलू और मामूली शब्द ले लो, फादर और मदर। हिंदी और संस्कृत में यह शब्द पिता और माता हैं। लैटिन में वे पातेर और मातेर हैं। यूनान में यानी ग्रीक में पातेरास और मितेरा हैं। जर्मन में फटर और मुटर हैं। फ्रांसीसी में पैर और मैर, और
इसी तरह और भाषाओं में भी। ये शब्द आपस में कितने मिलते जुलते हैं, भाई बहनों की तरह उनकी सूरतें कितनी समान हैं। यह सच है कि बहुत से शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में आ गए होंगे। हिंदी ने बहुत से शब्द अंग्रेजी से लिए हैं और अंग्रेजी ने भी कुछ शब्द हिंदी से लिए हैं, लेकिन फादर और मदर इस तरह से कभी ना लिए होंगे। ये नए शब्द नहीं हो सकते। शुरू शुरू में जब लोगों ने एक दूसरे से बात करनी सीखी तो उस समय माँ बाप तो थे ही, उनके लिए शब्द भी बन गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शब्द बाहर से नहीं आए, वे एक ही पुरखे या एक ही खानदान से निकले होंगे। और इससे हमें मालूम हो सकता है कि जो कौमें आज दूर दूर के देशों में रहती हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलती हैं, वे सब किसी जमाने में एक ही बड़े खानदान के रही होंगी। तुमने देख लिया ना कि भाषाओं का सीखना कितना दिलचस्प है और उससे हमें कितनी बातें मालूम होती हैं। अगर हम तीन या चार भाषाएं जान जाएं तो और भाषाओं का सीखना आसान हो जाता है। तुमने ये भी देखा कि बहुत से आदमी जो अब दूर दूर देशों में एक दूसरे से अलग रहते हैं, किसी जमाने में एक ही कौम के थे। तब से हम में बहुत फर्क हो गया और हम अपने पुराने रिश्ते भूल गए हैं। हर एक देश का आदमी ख्याल करता है कि हम ही सबसे अच्छे और अक्लमंद हैं और दूसरी जातें हमसे घटिया हैं। अंग्रेज ख्याल करता है कि वह और उसका देश सबसे अच्छा है। फ्रांसीसी को अपना देश और सभी फ्रांसीसी चीजों पर घमंड है। जर्मन और इटालियन अपने देशों को सबसे ऊंचा समझते हैं। और बहुत से हिंदुस्तानियों का ख्याल है कि हिंदुस्तान बहुत सी बातों में सारी दुनिया से बड़ा हुआ है। यह सब डींग है। हर एक आदमी अपने को और अपने देश को अच्छा समझता है, लेकिन दरअसल कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसमें कुछ ऐब और कुछ हुनर ना हो। इसी तरह कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें कुछ बातें अच्छी और कुछ बुरी ना हो। हमें जहां कहीं अच्छी बात मिले उसे ले लेना चाहिए और बुराई जहां कहीं हो उसे दूर कर देना चाहिए। हमको तो अपना देश हिंदुस्तान की ही सबसे बड़ी ज्यादा फिक्र है। हमारे दुर्भाग्य से इसका जमाना आजकल बहुत खराब है और बहुत सी आदमी गरीब और दुखी हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। हमें इसका पता लगाना है कि हम उन्हें कैसे खुशी बना सकते हैं। यह देखना है कि हमारे रस्म रिवाज में क्या खूबियां हैं और उनको बचाने की कोशिश करना है। जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करना है। अगर हमें दूसरे देशों में कोई अच्छी बात मिले तो उसे जरूर ले लेनी चाहिए। हम भारतीय हैं और भारत में रहना है और उसी की भलाई के लिए काम भी करना है, लेकिन हमें यह ना भूलना चाहिए कि दुनिया के और हिस्सों में रहने वाले हमारे रिश्तेदार और कुटुंबी हैं। क्या ही अच्छी बात होती अगर दुनिया के सभी आदमी खुश और सुखी होते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारी दुनिया ऐसी हो जाए जहां लोग चैन से रह सकें। तुम्हारे पिता जवाहरलाल। जब आप छोटे थे या फिर अभी छोटे हैं तो क्या कभी किसी बड़े बुजुर्ग ने आपको ऐसे पत्र लिखे थे, या फिर आप अभी बड़े हैं तो आपने किसी बच्चे को ऐसे पत्र लिखे हैं? अगर हाँ और उसके बारे में आप कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे तो मुझे आपके उन खतों की एक कहानी का खत पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। आपका खत भेजने का पता है kathaayaana@gmail.com। स्पेलिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पा सकते हैं। मैं लक्ष्मी आपसे फिर मिलूंगी। नमस्ते।